अभी आजकल क्लासेज में आपका स्वागत है। सो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में हम कंटिन्यू करेंगे गामा और काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ देख पीडीएफ देखते हैं। बेसिकली पीडीएफ जो वर्ड होता है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स की पावर एल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा अपॉन गामा एल्फा बीटा की पावर एल्फा एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो अदरवाइज। सबसे पहले एक चीज हमें देखनी है, पीडीएफ होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी चाहिए, दैट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आनी चाहिए, वन के इक्वल। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम देखें कि ये पूरा फंक्शन जीरो की वैल्यू जीरो से बड़ा होगा या नहीं होगा। सो एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है तो ये वाली टर्म आपके पास ऑब्वियसली जीरो से बड़ी होगी। ई की पावर कुछ भी हो तो वो भी जीरो से बड़ी होगी। गामा अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है और बीटा की पावर अल्फा, क्योंकि बीटा एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होगा तो इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव है आपके पास। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो एफ ऑफ एक्स है वो जीरो से बड़ा होगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देन हमें सेकेंड कंडीशन प्रूव करनी है। सेकेंड कंडीशन में आपके पास जो इंटीग्रल की लिमिट्स है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, पर फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी जीरो से बड़े के लिए डिफाइंड है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमें शो करना है कि वो वन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जीरो से इन्फिनिटी ये हमने लिखा एक्स की पावर एल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा अपॉन गामा एल्फा बीटा की पावर एल्फा डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें रिकॉल करनी है एक डेफिनेशन, दैट इज ऑफ द गामा एल्फा। गामा एल्फा की डेफिनेशन किसके इक्वल होती है, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एल्फा माइनस वन डी एक्स। तो गामा एल्फा की डेफिनेशन है ये। इस डेफिनेशन का यूज करना है हमें इसे प्रूफ करने में कि इसकी वैल्यू वन के इक्वल होगी। सो सबसे पहले हम इसमें से क्या करते हैं कि वन अपॉन स्क्वेयर रूट एल्फा गामा एल्फा एंड बीटा की पावर एल्फा ये कॉमन निकाल लिया। हमारे पास अंदर पूछा है जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा एंड एक्स की पावर एल्फा माइनस वन डी एक्स। फर्दर हमने क्या किया, एक्स अपॉन बीटा को वाई पुट कर लिया, एक्स अपॉन बीटा को वाई के इक्वल पुट कर लिया। तो डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बीटा डी वाई के इक्वल आ गई, राइट। सो ये दोनों वैल्यूज हमने एक्स अपॉन बीटा को वाई और डी एक्स की वैल्यू ये दोनों वैल्यूज हमने इसमें पुट की। फर्दर अगर हम लिमिट्स को देखें तो अगर एक्स अप्रोच कर रहे हैं जीरो को तो वाई किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। अगर एक्स अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को तो वाई किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो हम लिख सकते हैं वन अपॉन गामा एल्फा बीटा की पावर एल्फा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई, और एक्स क्या हमारे पास, एक्स होगा बीटा की बीटा वाई की पावर एल्फा माइनस वन बीटा डी वाई, राइट। फर्दर इसे फिर से लिखा जा सकते हैं वन अपॉन गामा एल्फा बीटा की पावर एल्फा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई बीटा की पावर एल्फा माइनस वाई वाई की पावर एल्फा माइनस वाई बीटा डी वाई। अब लाइफ को थोड़ा आसान बनाने के लिए ये वाली टर्म देखो, बेस सेम है, पावर एड ऑन होगी तो ये बनेगा आपके पास बीटा की पावर एल्फा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में बीटा की पावर अल्फा से। तो ये एक्सपेंशन आपके पास किसके इक्वल होना, वन अपॉन गामा अल्फा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई वाई की पावर अल्फा माइनस वन डी वाई। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, गामा अल्फा के इक्वल। बेसिकली वेरिएबल चेंज हुए, आपके पास एक्स की जगह पे वाई आ गया, ई की पावर माइनस वाई वाई की पावर अल्फा माइनस वन डी वाई, e की पावर माइनस वाई वाई की पावर अल्फा माइनस वन डी वाई। तो ये आपके पास किसके इक्वल बना, गामा अल्फा के इक्वल। सो इट विल बी वन अपॉन गामा अल्फा इंटू गामा अल्फा, तो ये कैंसिल आउट होके आपके पास वन के इक्वल बना, राइट। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप मल्टीपल टाइम्स लिख के देखिए, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। मैं अभी आपको बताऊँगा कि इसे याद कैसे रखना है। ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा, ठीक है, इंटू एक्स की पावर अल्फा माइनस वन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो अदरवाइज, तो ये पीडीएफ होने की दोनों शर्तों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास गामा
अगर कोई रैंडम वेरिएबल इस एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा तो हम उस रैंडम वेरिएबल को बोलेंगे कि वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। सो हाउ टू लर्न, ये पीडीएफ आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। जैसे हम इसे लिख रहे हैं, सबसे पहले गामा अल्फा की डेफिनेशन आप साइड पे लिख लीजिए। गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर अल्फा माइनस वन। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो गामा अल्फा की डेफिनेशन में है ना कि जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर अल्फा माइनस वन, जो इसका ये वाला पार्ट है ये आपने एज इट इज न्यूमरेटर में लिख लिया, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर अल्फा माइनस वन अपॉन गामा अल्फा। ठीक है, फर्दर आपने क्या किया, जो चेंज किया यहाँ पे बीटा से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे बीटा की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, और कंडीशंस क्या आपके पास कि एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स बन गया किसका, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। बेसिकली आपने क्या किया, गामा डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन से ही, गामा फंक्शन की डेफिनेशन से ही आपने ये डिराइव कर लिया। अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा को आर बाय टू पुट करें और बीटा को टू पुट करें तो जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिड्यूस करते हैं एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, बेसिकली ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, एक्स की पावर आर बाय टू माइनस वन डिवाइडेड बाई गामा आर बाय टू इंटू बीटा की पावर अल्फा, दैट इज टू की पावर आर बाय टू वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो अदरवाइज। ठीक है, ये जो काई स्क्वेयर डिराइव हुआ है ये आपके पास, आपको ये याद रखना है कि अल्फा को आर बाय टू और बीटा को टू पुट करने के बाद आपके पास काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। काफ़ी ईजी है, आपको काई स्क्वेयर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने, सिर्फ आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान में रखना है कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, अगर आप अल्फा को भी वन पुट कर देते हो तो आपके पास सिंगल पैरामीटर बचेगा, या बीटा को वन पुट कर दोगे तो सिंगल पैरामीटर बचेगा। इसमें अगर बीटा को वन पुट कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू वन पुट कर दी, और एक्स की पावर अल्फा माइनस वन अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, दैट इज वन की पावर अल्फा। तो ये हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया अगर सिर्फ अल्फा एक पैरामीटर है, हमने इसमें बीटा को वन पुट कर दिया। और अगर हम अल्फा को आर बाय टू और बीटा को टू पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे रीड करते हैं, काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्वेयर याद रखने के लिए आप याद रखिए कि बीटा को टू पुट किया और अल्फा को पुट किया आर बाय टू। ठीक है, इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो होंगी आर के इक्वल। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अगर आपको और वीडियोस और टॉपिक्स कंसेप्ट्स अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प हो सके।